हेलो स्टूडेंट, भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर री इलेक्ट किया गया है। एक बेहद खुशी की बात है और भारत को ये पहचान नित निरंतर मिलती रहती है। उसी श्रृंखला में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को री इलेक्शन, यानी कि ये ऑलरेडी इस पद पर थे और अभी 4 वर्षों के लिए इस पद पर नेक्स्ट इन्हें इलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा मुद्दा जानेंगे, साथ ही साथ हम CAG की इस इम्पॉर्टेंट पोस्ट के बारे में, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू री इलेक्टेड एज अ WHO एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 4 ईयर्स, यानी कि अगले 4 सालों के टर्म्स के लिए इनको रीइलेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जान लेते हैं CAG के बारे में। तो CAG भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाली संवैधानिक पोस्ट है। यहाँ पर भारतीय संविधान में 148 से 151 जो आर्टिकल्स हैं उनमें CAG के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र अथॉरिटी है और साथ ही साथ जो इनको अपॉइंट किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि इनके रिमूवल की बात करें तो ऑन द सेम ग्राउंड, जिन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, सेम उन्हीं ग्राउंड्स एंड मैनर्स के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग को भी रिमूव किया जा सकता है। यदि इनकी पोस्ट को या टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो 6 ईयर्स यानी टेन्योर 6 वर्ष हो सकता है, या यदि 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाए, जो भी पहले होगा उन आधारों पर, या तो 6 वर्ष कार्यकाल के या फिर 65 ईयर्स उम्र के, उससे पहले ये रिटायर नहीं होते हैं, यानी कि इनका जो पोस्ट होल्ड करने का टेन्योर है वो ये है। साथ ही साथ यदि बात कर लें इनके महत्वपूर्ण रोल की, तो ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, और साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसके संरक्षक होते हैं या गार्जियन भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी टेन्योर के बारे में, 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। साथ ही साथ बात करें कि भारत के प्रथम CAG कौन थे, तो वी नरहरि राव, जिन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1954 तक अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं को भारत के लिए दिया है। साथ ही साथ यदि बात करें कि अब क्योंकि 4 वर्षों के लिए कहाँ पर, तो WHO के लिए हमारे मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है, तो हम जान लेते हैं कि WHO आखिर कौन सी एजेंसी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम आप सभी परिचित होंगे इससे, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जिसका इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हेल्थ संबंधी गतिविधियां, कार्यवाही जो भी होती हैं तो वो WHO की तरफ से डिसाइड होती है। अभी कोविड के समय में आप सभी ने WHO के महत्वपूर्ण रोल के बारे में सुना ही होगा। तो स्पेशल एजेंसी ऑफ UN रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। साथ ही साथ यदि बात करें कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसमें अभी 194 सदस्य राष्ट्र मौजूद हैं। साथ ही साथ यदि बात करी जाए इसके रीजनल ऑफिसेस की, तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से यदि बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली इंडिया में मौजूद है। साथ ही साथ यदि यहाँ पर चर्चा करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन थी वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो उसी दिन को मेमोराइज करते हुए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि इस वर्ष यानी वर्ष 2023 की थीम की बात करें, तो इसकी थीम हेल्थ फॉर ऑल रखी गई थी। और यदि बात करें तो डॉक्टर रोडिरको एच ऑफरीन इज द WHO रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू इंडिया। तो ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहेंगे आप सभी गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।